हेलो, क्या हाल चाल है दोस्तों। ये मेरी यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो मेरा नाम जितेंद्र कुमार है एंड मैं इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट पे एज अ वर्किंग हूँ अभी। और स्टॉक मार्केट के बारे में ये वीडियो है एंड स्टॉक मार्केट में मेरी साइड हसलिंग लगभग 3 साल हो गए हैं मुझको। और मैं इस वीडियो के ज़रिए बस अपना एक व्यू मार्केट को देखना या मार्केट में कैसे काम करना है वो रखना चाहता हूँ। इसका कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को ट्रेडिंग करने के लिए या कुछ भी ट्रेड लेने के लिए किसी को मैं बोल रहा हूँ। मैं बस एक अपना व्यू रख रहा हूँ। मार्केट उस पे वर्क करती है क्योंकि मार्केट जो है वो तो सबके लिए सेम है। मैं तो मार्केट को कंट्रोल कर नहीं सकता, बट हाँ, अगर मेरे अंदर वो स्किल है कि मैं मार्केट की लैंग्वेज समझ सकूँ तो शायद कि मेरा स्किल या मैंने जो 3 साल अपने दिए हैं इस मार्केट को तो शायद वो कहीं काम आए। बस मेरा उतना ही प्रयास रहेगा। तो चलिए देखते हैं, एक बार मेरी नज़रिए से भी आप देख सकते हैं मार्केट को। चलिए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं बैंक निफ्टी को लास्ट वीक देख रहा था, तो लास्ट वीक मेरे को ऐसा लगा कि बैंक निफ्टी इस टाइम तो मेरे लिए, मेरा ये पर्सनल व्यू है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को इसको मानना चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू है, ये 41792 का जो लेवल है मेरे को लगता है ये एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए इस वीक के लिए और मे बी इस मंथ के लिए, पूरे मंथ के लिए। तो ये जो लेवल है, जब तक मार्केट इसको ऊपर नहीं जाती तब तक तो मार्केट मेरे लिए बेरिश है। मार्केट अभी कहाँ पे है? मार्केट अभी 41260 पे है, लगभग ये 600, 650 ऊपर अभी जो लेवल है वो मैंने ये उसी दिन मैंने देखा था वेडनेसडे को। तो उस दिन मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था जो ट्रेड बढ़िया प्रॉफिटेबल था, उसने यहाँ तक दिया। और जैसे एक्सपायरी में होती, बेसिकली मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैं सेलर नहीं हूँ। तो मेरा एक व्यू था कि मार्केट को काम कर देना चाहिए, तो कुछ एस्पेक्ट्स थे कि मैं समहाउ मैं क्यों बेरिश था, ये आने वाले वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। बट हाँ, अभी के लिए ये जो लेवल है 41792 ये बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट ने लगभग लगभग एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और एक आज चौथा दिन, 4 दिन हो गए इसको जो रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आ ही नहीं पाई अभी फिलहाल। तो एक ये जो मैं अपना बेयरिश व्यू बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर चली जाए। बात रही कि हम एनालिसिस कर रहे हैं इंट्राडे के लिए, तो इंट्राडे में कल क्या, कल ट्यूसडे है और कल क्या हो सकता है और क्या चीज़ हमें देखनी है, हम उसके आगे बात कर लेते हैं, ठीक है? मोटा मोटा तो ये हमारा कल का सीपीआर है जो कि एवरेज सीपीआर है, और आज का जो सीपीआर था वो बिल्कुल नैरो था। नैरो सीपीआर में आप ये दगा लीजिए, नैरो सीपीआर जब बनता है तो मार्केट ट्रेंडिंग होती है, और लगभग ट्रेंड था, पर ये वो ट्रेंड नहीं था जिसकी एक उम्मीद होती है कि ट्रेंडी मार्केट क्या होती है। उसका एक रीज़न मैं अगर मोटा मोटा आपको बता दूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट ने जो कल का जो लो बना, यानी फ्राइडे का जो लो था, मार्केट ने उस लो को काटा ही नहीं शुरुआत के आवर्स में, उसके अंदर उसने कुछ समय बिता दी। कभी भी आप नोटिस करिएगा
कि जो ट्रेंड डेज होते हैं वो ट्रेंड डेज शुरुआत में ही, यानी मार्केट स्टार्ट होने की 15 मिनट या 20 मिनट में ही स्टैब्लिश हो जाता है कि वो ट्रेंड है। पर मार्केट ने अब यानी यस्टरडे यानी फ्राइडे के लो के अंदर लगभग लगभग 9:50, 9:55 के आसपास उसी के अंदर उसने काम करा, तो ये प्रोबेबिलिटी उसने खत्म कर दी कि ये आज ट्रेंड डे होगा। बाकी जब नैरो सीपीआर होता है तो मार्केट की हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट ट्रेंड डे हो, पर इसको अगर ट्रेंड डे नहीं बोल सकते, बट हाँ, पर बहुत बढ़िया मूवमेंट था मार्केट का। और हम बात कर लेते हैं कल मार्केट में क्या होने के चांसेस हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरे लिए मार्केट का जो व्यू है वो थोड़ा सा बेरिश है, सिर्फ कल के लिए नहीं, मैं पूरे वीक के लिए कह सकता, मेरे लिए पूरा वीक है और पूरा मंथ है। कल हो सकता है कि मार्केट ऊपर खुले और यहाँ पे ऐसे काम कर ले, हो सकता है, नो डाउट। बट जैसे अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है और मार्केट ऊपर जा रही है तो शायद मैं पार्टिसिपेंट करना पसंद नहीं करूँगा, कि क्योंकि मैं उस तरीके से मार्केट को भी एनालाइज नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर खुले और सीधा ऊपर जाए और सीधा अपने रेजिस्टेंस तक पहुँच जाए, क्योंकि मार्केट ने बहुत बड़ा प्राइस रेंज बनाया है। मार्केट को इस प्राइस रेंज के, अगर मार्केट प्राइस रेंज में ही खुलती है तो इसी के अंदर वर्क करना है। हो सकता है जैसे मान के चलिए सीपीआर है, सीपीआर के ऊपर मार्केट खुले कहीं, या फर्स्ट आर में ऊपर जाके S1 तक चली जाए या अपने प्रीवियस डे हाई तक चली जाए, और फिर हो सकता है, क्योंकि वाइड सीपीआर है तो मार्केट लाइक का साइडवेज होगी। तो पर मैं जो बेरिश व्यू की बात कर रहा हूँ, मैं बेरिश व्यू इसलिए मैं थोड़ा सा हूँ कि आप ये देखिए, 20 मूविंग एवरेज जो होता है वो तो आपने बहुतों से सुना होगा, उस पर मैं भी बिलीव करता हूँ। 20 मूविंग एवरेज हमें एक्चुअली किसी भी ट्रेंड में अगर वहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस करता देता है, वहाँ पे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकें एक व्यू के साथ। तो अभी तक जो 20 मूविंग एवरेज है, जैसे अब ये देखें, आपने एक बात और सुनी होगी, प्राइस या तो मूविंग एवरेज के पास जाता है या तो मूविंग एवरेज प्राइस के पास आता है। इस बार क्या हुआ है, मूविंग एवरेज नीचे नहीं है, मूविंग एवरेज के पास प्राइस चला गया, और इस टाइम पे मूविंग एवरेज पे ही था और उसने बढ़िया तरीके से रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे है। तो कल क्या हो सकता है हम देखते हैं। तो अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आ जाऊँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, हमारा 20 मूविंग एवरेज लगभग यहाँ पे है और हमारा प्राइस यहाँ पे है, तो आज तो कोई ट्रेंड था नहीं मार्केट के अंदर, मार्केट ने 1 घंटे में जो काम करना था कर दिया, उसके बाद मार्केट ने ऊपर नीचे ऊपर करके एक रेंज बाउंड बना लिया, तो ठीक है, ये काम है। ठीक है, कल जो एक ये जो सीपीआर का लेवल है, सीपीआर कम से सीपीआर का लेवल ऑटोमेटिकली ही एक, ये मेरा एक लेवल था जहाँ के जिसको ब्रेक करे मार्केट, तो शायद मैं हो सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा बेयरिश में कंफर्टेबल फील करूं। तो मुझे बस, अगर मेरा कल बेयरिश व्यू है तो मैं बस इतना देखना चाहता हूं मार्केट को कि इस लेवल को मार्केट कैसे लेती है, इसको एज अ रेजिस्टेंस लेती है, इसको एज अ सपोर्ट लेती है कि मार्केट यहाँ खुलेगी ऊपर खुलेगी, ये तो कल ओपनिंग पे पता चलेगा। बट हाँ, मैं थोड़ा सा ये देख रहा हूँ कि मार्केट अगर इसको एज अ रेजिस्टेंस फेस करती है और अपने सीपीआर के बाहर आ जाती है, तो मेरे कुछ मेरा जो जनरल टारगेट टारगेट की मैं बात करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पहला टारगेट अगर इसको रेजिस्टेंस फेस करती है तो मेरा पहला टारगेट होगा प्रीवियस डे लो। हो सकता है मार्केट यहाँ कोई खुले और मार्केट फर्स्ट आर में नीचे आए और इसी को सपोर्ट ले ले और ऊपर चली जाए, तो कहने का मतलब है मार्केट बीच में कहीं खुलती है, या तो पहले इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। इधर जाके अगर रेजिस्टेंस लेती है मार्केट तो मेरा जो पहला टारगेट होगा वो प्रीवियस डे लो होगा। हो सकता है इसको रेजिस्टेंस ना ले, इसको ब्रेक कर दे और मार्केट ऊपर चली जाए, तो इस केस में मैं कल ट्रेड नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मार्केट मेरे लिए बेरिश है और मैं जो अपना
एनालिसिस दे रहा हूँ, एज अ डायरेक्शन दे रहा हूँ। मैं कोई वो बात नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेड कहाँ लेंगे। ठीक है ना, एक दिन ट्रेड नहीं लेंगे तो कुछ होगा। हम तो बस ये देखना चाहते हैं कि मार्केट का अगर कोई डायरेक्शन है तो हम डायरेक्शन में काम करें, हम डायरेक्शन के अगेंस्ट काम करना नहीं चाहते मार्केट में। क्योंकि हो सकता है वो एक बार आपको प्रॉफिट दे दे, बट मार्केट में शायद मैंने किसी से सुनी है या मैं सबको बोलता रहता हूँ, मार्केट ना एक ऐसी चीज़ है, अगर मार्केट नहीं, मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पे लोग गलत तरीके से, अगर उन्होंने मान के चलो कुछ पैसे कमा भी लिए ना, तो वो पैसा कमाना नहीं है, वो बहुत बड़ा पैसा लूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनको ये गलत फहमी होगी कि मार्केट से उन्होंने पैसा कमाया है, यानी मार्केट वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो मार्केट उनको लेटर ऑन ये बता देगी कि गलत तरीके से कमाए हुए पैसे, उसका जो हर्जाना होता है उसको कितना भारी होता है। लाइक ये जो बात मैं बोल रहा हूँ कि गलत तरीके से कमाया हुआ 1 रुपये भी यहाँ पर पता नहीं कितने करोड़ का नुकसान, या कितने करोड़ या कितने लाख, वो तो हर किसी इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगा। बट हाँ, गलत डायरेक्शन से पैसा कमाया हुआ पैसा, या उसको ये मान लेना कि ये तो आपकी वजह से था, आपका एनालिसिस था, तो मेरे को नहीं लगता वो जस्टिफाइबल है। हमें तो ट्रेड करना, ट्रेड विद ट्रेंड, यानी हमें ट्रेंड में ही रहना है। चाहे छोटे, ये जो मैं व्यू बोल रहा हूँ ये छोटे व्यू के लिए मैं बेरुश हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट में बेरुश हूँ, मैं पूरा बुलिश, मैं समझता हूँ कि इंडियन मार्केट, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, वो बहुत ज़्यादा बुलिश मार्केट है इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में। बट समहाउ मार्केट को काम अपने कुछ पेंडिंग काम करने हैं, मुझे ऐसा लगता है। और अगर मैं बेरिश की बात करूँ तो ये तो अभी मैं आपसे एक व्यू शेयर करना चाहता हूँ। मैं मार्केट को लगभग, अगर मैं देखता हूँ बेरिश मार्केट कहाँ तक होगी, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं ये अपना पर्सनल व्यू शेयर कर रहा हूँ। इसका कोई भी किसी को ट्रेड वेड लेने के लिए मैं नहीं बोलता। बट हाँ, ये वाला जो लेवल देख रहे हैं आप 35,000, मैं 35,000 भी नहीं मानता, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये लगा लीजिए आप लगभग लगभग मोटा मोटा 36,000, 36,000 भी नहीं लगाएंगे तो चलिए ये भी छोड़ दीजिए। बट हाँ, ये जो लेवल है ना, ये वाला अभी मार्केट है 41,282 पे, पर मेरा जो पूरे महीने का है, या हो सकता है ये मार्केट मुझे गलत प्रूफ कर सकती है, बट हाँ मेरा पर्सनल व्यू है कि मार्केट को इस लेवल तक आना है। लेटर ऑन ये चीज़ें क्लियरिफाई होंगी जैसे जैसे मार्केट आगे काम करेंगी वैसे। बट हाँ, मेरा जो पर्सनल व्यू है, ये बात मैं यूट्यूब पे आज कह रहा हूँ कि ये फ्यूचर में हो सकता है, तो मैं सोच समझ के कह रहा हूँ। नहीं भी हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, नहीं होने के केस में ये मान के चलिए ये जो मैंने आपको अभी बताया कि एज अ रेजिस्टेंस है, इसको काट के ऊपर क्लोजिंग दे, यानी क्लोजिंग दे के मार्केट ऊपर निकलने लग जाती है, तो मैं इस लेवल को भूल जाऊँ कि ये कोई लेवल है। बट जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रेक करती, तो हाँ मेरे लिए ये एक टारगेट है कि मार्केट यहाँ तक उसको काम करना है, और देखते हैं लेटर ऑन ये फ्यूचर में पता चल जाएगा हमें भी और आपको भी कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। ये तो जस्ट मेरा एक व्यू है, एक एनालिसिस है, वो किस बेस पे हुई वो आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट हम अभी बात कर लेते हैं कल क्या होने के चांसेस है, तो चलिए देखते हैं। आप देख रहे हैं 1 घंटे में मार्केट का 20 EMA अभी ऊपर है और प्राइस नीचे है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से SGX निफ्टी अभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव 74 पॉइंट्स है, तो मुझे तो ऐसा बिलीव हो रहा है, ये मैं अभी रात के लगभग 1 बज रहे हैं तो अभी सुबह के आसपास SGX निफ्टी कहाँ होगी मुझे वो तो उस टाइम पे देखना है। बट मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि मार्केट
या बैंकिंग मार्केट नहीं, मैं निफ्टी एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि शायद मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है, तो मैं सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ आज आपसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ कुछ तो % गैप अप मार्केट खुलनी है, हो सकता है कि साइडवेज भी खुल जाए, बट हाँ अगर मेरा बेरिश व्यू है तो मेरे को ऐसा लगता है ये जो CPR है, ये जो पीवट रेंज है, कल मार्केट इसके आसपास आके थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेल करके नीचे की तरफ ही जाए। अगर सपोज करिए मैं कोई भी कैंडल बुलिश जाता है ऊपर, एक क्लोजिंग मिल जाती है, तो उसको मैं ऐसा ले सकता हूँ कि ठीक है, बट मेरे लिए मैटर ये करता है अगर मार्केट ने इसके इसको एज अ रेजिस्टेंस फेस करा तो शायद मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। और मैं कहाँ तक करना चाहूँगा, मैं मेरा फर्स्ट अगर मार्केट शुरुआत में यहाँ खुलती है और इसको एज अ रेजिस्टेंस फेस करती है या इसके ऊपर क्लोजिंग दे के इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो मैं शायद ट्रेड ना लूँ क्योंकि मैं मेरा थोड़ा सा बेरिश व्यू है, क्योंकि मैं डायरेक्शन को प्ले करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ। तो हाँ मैं ऑप्शन बायर हूँ तो थीटा वीटा सबका लॉस है, बट मैं सबसे बड़ी पावर मानता हूँ मार्केट को, कि मार्केट का डायरेक्शन आपको अगर पता है, अगर मार्केट के डायरेक्शन में आप प्ले कर रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग से बिल्कुल पैसा कमाया जा सकता है और बहुत अच्छे अमाउंट पे कमाया जा सकता है। तो मैं तो डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ और ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि उसके आप ऊपर आपको कैसे काम करना है या नहीं करना। तो बस ये मैं अपना एक व्यू आपके लिए, ठीक है। तो अगर इस CPR को कल अगर मार्केट अगर रेजिस्टेंस फेस करती है तो हमारा पहला जो एक लेवल है आपको ये देखने को बिल्कुल मिलेगा कि प्रीवियस डे लो तक, क्योंकि प्रीवियस डे लो या हाई जो होता है, हाई एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, लो एज अ सपोर्ट काम करता है। हो सकता है मार्केट खुले और पहले इस पे सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए तो हमारा ये टारगेट है, बट अगर इसको सपोर्ट लेता है तो हमारा एक पहला टारगेट ये है, पर इसको भी ब्रेक करता है तो मैं आपको एक लेवल दे देता हूँ जिसके आसपास अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक डेफिनेटली आएगी। इसको सपोर्ट लेती है, इसको तोड़ती है, ये तो कल पता चलेगा, बट हाँ मुझे लगता है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर सकती है कल। तो हाँ, तो मोटा मोटी बात ये है कि ये जो CPR है कल मार्केट, और एक चीज़ और बता देता हूँ अगर किसी को पता ना हो तो, कल देखते रहे से बेरिश होने के मेरे को बहुत रीजन है। मैंने आपको 20 ये आज का CPR है जो बिल्कुल नैरो था, और ये आज का ये जो कल का CPR है, ट्यूजडे को ये CPR होगा हमारा, तो ये ऊपर बना था और ये नीचे बना था, तो मार्केट ने तो काम नीचे ही करा है। तो एज अ देखा जाए मोटा मोटा कि मार्केट तो बेरिश है, तो बेरिश डायरेक्शन में हमें प्ले करना है, पर हाँ ये बिल्कुल हो सकता है कि मार्केट गैप अप ही खुले CPR के ऊपर, यानी 44,412 के ऊपर मार्केट खुले, तो इस केस में मार्केट बुलिश भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभार मार्केट में बायर ही इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट बिल्कुल ऊपर यानी लेके जा सकते हैं। बट जो मेरा मानना है मार्केट वो थोड़ी सी मेरे लिए बेरिश है, तो अगर यहाँ से ऊपर भी चलेगी तो मुझे लगता है अपने हाई तक ही जा पाएगी या उसके ऊपर एक आध कैंडल बन सकते हैं, बट इसको क्रॉस करके ऊपर जा नहीं सकती क्योंकि उसके जस्ट ऊपर ही हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, और ये मुझे लगता है कि ये ब्रेक नहीं होगा। तो मैं इस चीज़ के ऊपर अभी वर्क नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर काम करे, मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ही देख रहा हूँ। तो हाँ ये जो लेवल है CPR का, ये बहुत कल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपको देखने को अगर कल जब मार्केट क्लोज होती है तो देखते हैं हम कि इस CPR लेवल को कैसे मार्केट लेती है, कैसे इसको रिएक्ट करती है और मार्केट कहाँ तक आई। मेरा पहला लेवल अगर इसको रेजिस्टेंस लेती है तो मेरे को लगता है मार्केट को यहाँ तक आना है अपने प्रीवियस डे लो तक, और लो ब्रेक होता है तो मार्केट को कम से कम भी 40934 तक मार्केट को आना है। हो सकता है ये जो हमारा फर्स्ट S1 है, पीवट का S1 लेवल है, यहीं पे आके मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए ऊपर,
हाँ अगर फॉल आता है तो यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि अभी 43,368 है और मैं जो लेवल दे रहा हूँ 340,934 का दे रहा हूँ, लगभग ये 400 पॉइंट है। और इंट्राडे में 400 पॉइंट का अगर मूव मिल जाए तो मेरे को लगता है लोग बेकार है। बाकी ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं नहीं कहता हूँ किसी को भी ब्लाइंडली फेथ करना चाहिए। और अभी मेरे को टाइम आप मेरे को भी अपने लिए टाइम चाहिए कि जब भी मैं अगर ऐसी कोई वीडियो लाऊं तो बिल्कुल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लाऊं। आपका ये टेस्टिंग टाइम है कि हाँ आप मुझे देख सकते हैं और थोड़ा और मार्केट कैसे काम करती है, क्योंकि मैं मार्केट को पढ़ना, मैं मार्केट के अकॉर्डिंग काम करना चाहता हूँ। और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट जो बताएगी हमें वो करना है, वो नहीं करना जो हमें पता। तो देखते हैं कल कैसा होगा। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज एप्रिसिएशन के वे में कमेंट कर सकते हैं, अब वीडियो बेकार लगे तो भी कर सकते हैं। और देखते हैं आगे मार्केट क्या करती है। बट हाँ ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो इसको एज अ जजमेंटल ना है मत लीजिएगा। ये बस मेरे लिए ये वीडियो बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए मैं अपने फ्रेंड्स फैमिली या जिनसे मैं कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ या जिनको मैं बताना चाहता हूँ या सिखाना चाहता हूँ उनको मैं पर्सनली मैं नहीं बता सकता। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अब जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो मैं डिलीवर कर सकूँ अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली यानी हाँ छोटी छोटा ही मेरा पर्सनल अगर वो है मैं बताऊँ आपको तो वो छोटा सर्कल है। बट मैं सबको इंडिविजुअल टाइम नहीं दे सकता क्योंकि मैं एज अ वर्किंग भी हूँ और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर इस मार्केट में मैं अगर अच्छा कर रहा हूँ या अच्छा करूँगा तो इस मीडियम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू मैं कुछ चीज़ें जो डिलीवर मैं करना चाहता था बहुत लंबे टाइम से मैं डिलीवर कर सकता हूँ। सो इसलिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे करेगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो और होप सो कि आपका दिन बहुत अच्छा हो और आप प्रॉफिट कमाएं और मार्केट में लर्न करें मार्केट को और अच्छा काम करें। चलिए अभी इस वीडियो से विदा लेते हैं। अगली वीडियो जब आएगी तो मैं अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करूंगा मार्केट को और ये मैं आपको बताता हूँ कि अगली बार अगर मैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आपको मार्केट के बारे में या मार्केट को जिस तरीके से मैं देखता हूँ किस लेवल से और किस लेवल तक, तो बढ़िया तरीके से मैं एनालिसिस करके आपके सामने रखूँगा अपना व्यू। तो देखते हैं, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, बाय।